वाले हैं केबल ट्रे 45 डिग्री हाफ सेट के बारे में। 45 डिग्री हाफ सेट हम कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल्स के साथ बताया है उसका क्या फार्मूला है और उसको कैसे बाइंड करते हैं और उसका मार्किंग शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने करके दिखाया है आपको और उसका कटिंग भी मैंने आपको करके दिखाया है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा और आप ये 45 डिग्री हाफ सेट आसानी से सीख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और ये फ्रेंड हम जानते हैं कैसे हम हाफ सेट बनाएंगे, ठीक है। हम बनाने वाले हैं साइड हाफ सेट, ये हमारा सीधा जाके फिर राइट साइड मुड़ेगा और फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसका हम हाफ सेट का मार्किंग करेंगे, मार्किंग भी आपको दिखाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक दिखेगा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ से 20 सेंटी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा 10 सेंटी हो गया, ये 10 सेंटी हो गया, 20 सेंटी हम छोड़ दिए। अब हमको इधर बनाने का है 8 सेंटी का हाफ सेट, तो 8 सेंटी का हाफ सेट बनाएंगे तो हम यहाँ से कितना इसका मार्किंग करेंगे, इसका कितना से मेजरमेंट करेंगे, कितना माइनस होगा प्लस होगा जो भी होगा उसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा 20 सेंटी हो गया, अब हमको चाहिए 8 सेंटी का हाफ सेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को 80 कर देंगे। ये देखिए 80 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 141 से, 141 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका हमारा जो आंसर आएगा 11 सेंटी पॉइंट 280, यानी कि 11 सेंटी 2.80 ये हमारा 3 mm हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ मार्किंग करते हैं, ये देखिए 11 सेंटी 3 mm ये हमारा मार्किंग हो गया। ये हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं, एक यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, हम यहाँ से 4 सेंटी ले लेंगे इधर, 4 सेंटी ले लेंगे इधर, ये देखिए ये 4 सेंटी इधर हो गया, ये 4 सेंटी इधर हो गया, ठीक है, ये 8 सेंटी। अब हमको यहाँ से आगे बढ़ाना है, ये 4 सेंटी इधर ले लीजिएगा, 4 सेंटी फिर इधर, ये हो गया। अब इसको हम लाइन खींच देते हैं, यह हमारा मार्किंग हो गया। तो पूरा मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझा दूंगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा मार्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम किधर कटिंग करते हैं। ये हमारा कपलर का मार्किंग हो गया, ठीक है, ये हमारा कटिंग होगा, ये कपलर बन जाएगा साइड में घुसाने के लिए।
ये हमारा वी कट है, ये वी कट निकल जाएगा यहाँ से। ये भी हमारा वी कट हो जाएगा, यहाँ से हम वी कट इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं मार्किंग आपको समझ में आ रहा है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने 20 सेंटी छोड़ दिया। ठीक है, अब 20 सेंटी के बाद इधर 4 सेंटी आपको लेना है, क्योंकि 100 का ट्रे है तो 4 सेंटी कटिंग होगा, 4 सेंटी इधर 4 सेंटी इधर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेजरमेंट आया वो इसके सेंटर से हमने यहाँ फर्स्ट लिया, आपने वीडियो में देखा होगा, इसके सेंटर से फर्स्ट यहाँ पर लेना है आपको। तो ये देखिए हमारा 11 सेंटी 3 mm आया था, ये हमने लिया 11 सेंटी 3 mm। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर आपको 4 सेंटी इधर, फिर 4 सेंटी इधर लेना है। इस तरीके से मार्किंग करना है आपको कहीं कोई भी कितना भी ट्रे का अगर हाफ सेट बनाते हैं तो। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्किंग। ये देखिए इसको हम कटाई करेंगे, तो ये देखिए हमारा कपलर एक इधर कट मारेंगे, ये हमारा कपलर का हो गया मार्किंग, यहाँ भी हमारा एक कपलर बन जाएगा। ये जो हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, एक इधर से निकल गया, अब दूसरा हिस्सा जो है हमारा ये वाला कटाई हो जाएगा। एक ये कटाई करेंगे और एक ये कटाई करेंगे, ये इधर मुड़ जाएगा अब वो उधर मुड़ जाएगा, तो हमारा ये हाफ शर्ट बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको कटिंग करके दिखा देते हैं, इसका कटाई करके, उसके बाद इसको हम बैंड करके आपको दिखा देंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको मार्किंग समझ में आ गया होगा। Thank you.
ऊपर से ऊपर से तो पलटिए इसको, मेजरमेंट करिए।